हम जिताएंगे और 100% जिताएंगे दोस्तों। और बाकी कांग्रेस के काले कर्मों के चिट्ठे में ज्यादा खोलना नहीं चाहती, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो ऐसे भी हार रहे हैं, ज्यादा उनको तवज्जो देना नहीं चाहिए। लेकिन एक बात से मुझे बहुत दुख पहुंचा है, क्योंकि जो शहजादे हैं उनका तो मैंने देखा है कि उन्होंने अपनी पत्नी के साथ भी कोई अच्छा सुलूक नहीं किया, तो शायद महिलाओं का सम्मान करना उन्हें नहीं आता है। उनकी पत्नी कहती है कि उनको हर तरीके से प्रताड़ित किया जाता था। खैर अपनी अपनी बातें हैं, लेकिन उनकी माता जी प्रतिभा जी, जिनको मैं अपनी माता स्वरूप समझती हूँ, उन्होंने भी कल एक जगह कहा कि ये जो भीड़ कंगना को देखने के लिए उमड़ती है वो वोट नहीं देगी, वो मात्र ये देखने को आती है कि वो चीज क्या है, क्या वो हुसन परी आई है मुंबई से इन्होंने जो लेके आए हैं, तो वो इस चीज को देखने के लिए आती है। मैं कोई चीज नहीं हूं, मैं एक लड़की हूं, मैं भी ऐसे हार्ड मांस से बनी हूं जैसे कि आप बहने बनी हैं, मैं भी हिमाचल की इन गलियों में ऐसे ही खेलती हूं जैसे अब खेलती थी, जैसे हमारी ये बेटियां खेलती हैं। मेरी बहनें कोई चीज को देखने नहीं आती हैं, मेरी बहनें एक बहन को देखने आती हैं, मेरे भाई कोई चीज या कोई हुसन परी देखने नहीं आते हैं, वो अपनी हिमाचल की बेटी को देखने आते हैं। कितने तो इसमें से मैं ये बात लिख के देती हूँ, 95% लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी मेरी फिल्म भी नहीं देखी, लेकिन वो अपनी बेटी पर गर्वित हैं, वो अपनी बेटी को मिलने आते हैं, किसी चीज या किसी हुसन परी को मिलने नहीं आते हैं। इस तरह की भाषा बोलना, और उनकी भी एक बेटी है, एक बेटी को इस तरह की भाषा कहना कि एक चीज मुंबई से आई है और उसको देखने के लिए लोग आते हैं, ये बहुत ही दुखजनक है और बहुत ही चिंताजनक है। पर खैर अब उन्होंने जब हर तरह का हर